भी हवा आती है गाइस, नीचे से भी हवा आती है। उसने कहा अबे हां हाइलाइटर चाहिए। हाय गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। मैडम मैडम आ गई है। हाय हाय। आज मैं सुबह सुबह सोती हूं, सोती हूं अभी भी। मैं सो के उठी हूं, जस्ट सुबह नहीं है वो, मतलब मिड मॉर्निंग 12 बज गए। फिर जस्ट पता लग गया मुझे बट अब हम दोनों के बीच में ये डील हुई है कि लास्ट टाइम आ रही हूँ मैं गुड़गांव, नेक्स्ट टाइम से ये आएगी हर बार। ये वो वीडियो है मेरे पास, ठीक है ना, ये बस रिकॉर्डिंग। अब आंटी ने भी बोल दिया। आंटी ने नहीं बोला कुछ, मेरी चलती है यार, इसी नहीं चलती। ओके, अंकल से भी बोल के निकलो, हर्ष से भी बोल के निकलो, सब सबको बोल के निकलो। एंड मैडम आई है तो मैं कॉफी, अपनी स्पेशल कॉफी बना रही हूँ इसकी। आज मैं इसकी चेयर, ये नवाब है, कॉफी बना रही हूँ। उठते ही मतलब बीमार आदमी को परेशान कर रहा है कॉफी बनवा के, बताओ, वो भी कोल्ड। नींद करने के लिए परेशान कर रहा है, करने के मम्मा उठेगी नहीं। हां रेडी होने में भी 50 मिनट, क्या रेडी होना है, सर धोना है मेरे को बस। तेरे को सर धोना है आज? आज क्यों है, मैं गंदी नहीं पाया तुमने, बहुत आज ये सर धोने के बाद तो छोड़ पे डाल दिया। अच्छा तो फिर तेरे को 50 नहीं, ये बाल बॉय कट के कर लेगी ना, फिर भी बालों को धोने के लिए। हाँ, ऐसा तो कुछ नहीं है, मैं अभी जस्ट झटपट नहा लूंगी, कॉफी पीने जाएंगे पर हम एक और जगह स्टॉप वही जाएगी जहाँ इसको सुनना है, इसको सुनना है इसको क्या बोल रही हूँ मैं भाई। चलो मैं आपसे थोड़ी देर में मिलती हूँ कॉफी बना के, वरना कॉफी भी नहीं बनेगी और मेरी बात तो वैसे भी नहीं खत्म होगी। यस व्हाट, यस अग्री, शट अप। आम काटी है, कर लिए तुम सारे आम, टूट गए अब क्या सीजन आम का। तेरी स्टोरेज भर रही हूँ मैं और कुछ, बड़ा कॉफी कॉफी करती रहती है पूरे टाइम कॉल पे, अब ऐसे ही घूम रही हूँ। खेला खेली नहीं खत्म हो रहा, कॉफी इज ऑल रेडी, अब मैं तेरे को दे सकती हूँ। पिछले 5 मिनट से ये रखी हुई थी बेचारी के लिए, ये मैंने अपने लिए भी बना ली क्योंकि मैं ढीठ हूँ, मेरा गला खराब है। माला आ सकती हूँ तेरे लिए, माला दे दी ओ जैसे। अब मेरा मुंह मत खुलाओ, ये आपके लिए मैंने दिया था गिफ्ट माला का, क्योंकि आप कॉफी कॉफी करते रहते हैं पूरे दिन। अब पी के ऑनेस्ट रिव्यू दे, ऑनेस्ट। अच्छा बोली ना, झूठी नहीं कि भाई मजे के लिए या इट इज नाइस, बहुत अच्छी है सीरियसली बोलूं, मतलब फ्रॉथी अच्छी बन गया ना कि झाग, ये देखो कॉफी दिख रही है इतनी सी है, झाग नी बी नी। थैंक्स यार, अब इतना पैसे भी नहीं दिया था मैंने तेरे को, इतनी तारीफ करनी पड़ी है। बट मी बीइंग मी, मैं बिल्कुल उठते ही गला खराब है गाइस, फिर भी हम कॉफी तो कहती पिएगी नहीं। मैंने बोला ना पीऊंगी मैं डी टू, पर तूने जब मैंने तेरे को बोला पर स्टार्टिंग के लिए बट फिर मेरा मन कर गया बनाते बनाते। रात को पता क्या हुआ, मेरे को नींद नहीं आई, मैं आ गया 4:30-5 बजे तक सोई थी, क्योंकि हेड सर दर्द हो रहा था, उसके बाद वो दर्द आते आते नाक से यहाँ तक आ गया था, मेरा ऊपर वाला पूरा दांत और जबड़ा दर्द कर रहा था, मैं बिल्कुल ही सो पाई। मैं 3 बजे मम्मी पापा मंदिर जा रहे थे कल, तो आज मतलब, तो मैं मम्मी के पास गई कि मम्मी के पास सो जाऊंगी, फिर मेरे को पता चला मम्मी भी मंदिर जा रही है आज और मेरा ओपट हो गया। फिर मम्मी दवाई दे के गई, फिर मैं 5 बजे तक वीडियोस देख रही थी यूट्यूब पे, सोई थी ना, फिर मैं उधर से उठ के मम्मी के पास चले गई थी, बट फिर मम्मी पापा भी जा रहे थे, फिर मैंने दवाई ली रात में, फिर यूट्यूब वगैरह देखा थोड़ा बहुत टाइम पास करा, फिर जैसे ही नींद आई फिर मैं ऐसे सर दबा के सो गई। ऐसे कर सकती है नहीं अभी कर ये वाले में नहीं रहा, ये वाले में था बट अब नहीं है ना, पागल हो गया, देखो झाग निकल रहा है इसका।
तेरे लिए भी कॉफ़ी रिफिल करनी पड़ेगी, कॉफ़ी नहीं है इसमें, चल अंदर चलते हैं। गाइस अब थोड़ा चिल करेंगे, साल से बात हुई है वो भी रेडी होके आएगा, हर्ष भी चल रहा है हमारे साथ, मतलब फिर से आज घूमी घूमी करेंगे हम, मस्त मस्ती करेंगे, पार्टी करेंगे, कॉफ़ी रिफिल। कैंडलें जलती रहती है अपना, ऐसा ही है इसके लिए फुल एस्थेटिक बनाया है सारा सामान, कैंडल जला दिया है रूम बिल्कुल ठंडा, हम ठंडे कंफर्टेबली, देख रहा हूँ, भेज भेज स्नैप भेज। 12 बज गए यार, 12 देख रही है तू? देख रही हूँ मैं, पहली बारी में तो सेम ही लगेगा ना, अब यार हाइब्रिड और हाई राइडर बहुत डिफरेंट है यार, तो यार अब मेरे को याद था हाइब्रिड, वो भी बड़ी बात है, ठीक है पकड़ना मम्मी मैं बनाती हूँ। हम मेट्रो पे गए गाइस, सुनो मेरी बात सुनो, मेरे को पसीना आया हुआ था पीछे, ठीक है अपन ने सुन लिया ना मेरे व्लॉग में, मम्मी को थप्पड़ मार दे को तो कहती कहती तेरे को पता है मैंने गाड़ी देख के कल मम्मी पापा के साथ, तो ना उस पे पीछे से भी हवा आती है गाइस, पीछे से भी हवा आती है, मस्त हवा आती है सीटों से, मैंने कहा तू वेंटिलेटर सीट की थी और ये नहीं पता मेरे को क्या बोलते बट आती है, मैंने कहा कौन सी, कहती हाइब्रिड, मेरा मेरा सीरियसली दो तीन मिनट में दिमाग चलाया हाइब्रिड कौन सी गाड़ी आ गई, हाइब्रिड तो मैंने मॉडल में सुना है, मैंने बोला था ऐसे नहीं, उसके बाद क्लास में सर ने कर एग्जांपल दिया कि हाई राइडर एक गाड़ी है जिसमें हाइब्रिड वाला इंजन भी है, तब इसने कहा अबे हां हाई राइडर थी हाइब्रिड को हाई राइडर बना दिया भाई, अबे यार हाइब्रिड हो गया है उसमें, तूने मेरे को हाइब्रिड गाड़ी का नाम बताया, ठीक है यार अब मेरे को कंफ्यूजन हो गया, अब मैं डर हूं तो मैं क्या करूं, अब हर्ष बताएगा, ठीक क्या बताएगा हमारा पॉइंट ये क्या है, हाइब्रिड वही तो इंजन का वॉइस मिलने का, हर्ष के ये आपको नहीं पता, हर्ष के साथ प्रैंक हुआ था एक दिन कॉल पे, वैश प्रैंक कॉल करा रात में, वैश नेहा बन गई थी सपोजिटली, समझ गया था बट मैं बाद में आवाज, चारों गप्पे शप्पे कर रहे हैं, साहिल आ रहा है, मेरा अभी हेड वॉश करने का मन नहीं कर रहा, मैं अभी भी डिबेट कर रही हूँ कि मैं जाऊँ नहीं जाऊँ क्योंकि आलस बुरी बोला है, नहीं मैं ही बोलूँ रह लेगी मेरे बगैर, हम घूमेंगे कैसी मतलब अभी दोस्त है, वैसे भी तेरे बेटी मुंह तू रेस्ट कर, अच्छा कॉफी पिलाने के टाइम पे तो नहीं यार, मैं बोला पीने के लिए तो लग रहा था ना, पी ना मैंने पूरी खत्म करी हुई है क्योंकि मेरी मर्जी मेरी लाइफ, अच्छा फिर रात को नींद नहीं आएगी मम्मी, अभी चप्पल आएगी वहां से तब पता लगेगा मेरी लाइफ, तेरे मुंह पे ना डाइवर्ट कर दूं मैं वो चप्पल, चल रहा अभी एक ही दोनों का एक, अब अच्छा एक तो पहन के आएगी नहीं क्या पता, हाँ ये वैष्णवी है, नहीं स्टाइल नहीं ये वैष्णवी है, ये कुछ भी कर सकती है, ब्रेन डेड है ये, अभी वो इसके आगे बोल, अभी वो अभी वो चुप हो जा, चुप चल वरना छोड़ देंगे तेरे को बात है, देखो इसकी यहाँ यहाँ बड़ी रह जाएगी फिर क्या है has new guest has arrived, ये क्या इंटरव्यू चल रहा है तुम्हारा यहाँ पर, वो अलग खड़ा है वहाँ पर, कभी कभार शर्माता है नहीं हाँ कम बता यार, सब रो रहे हैं सब वेट कर रहे हैं मेरे तैयार होने, जा रही हूँ मैं ठीक है, भाव मत खा और फोटो नहीं खींचूंगी वरना आज पैसे लगेंगे, हर्ष भी नहीं खींचेगा, सर्द हो गया होंगे, हाँ तो चल रहा है खाने का है, चल रहे मारेंगे मेरे को तीनों पकड़ के, मैं तैयार होके आई गाइस, अब मेरे को नहीं पता मैं नहा के आऊंगी या नहीं, पर तैयार हो जाती हूँ वरना ये तीनों मेरे को पकड़ के मार सकते हैं, ओके ए फ्यू मोमेंट्स लेटर ऑलरेडी, इतनी जल्दी भाग भाग के मैं तैयार होके गई, अभी वो लोग बाहर हैं गाड़ी निकाल रहे हैं, भाग भाग के सर्द है ना, अब फिर से मम्मी कहेंगी मेरा साथी बनेगा है ना, क्या बोल ये भी चल रहा है,
ये पीछे तो छोड़ेगा नहीं मेरा। पहले सिक्किम जाएंगे, फिर उसको खाना खाना सब हम खाएंगे, क्योंकि हम तीनों ने कुछ नहीं खाया। हर्ष तो अभी रोटी खा के बैठा है जस्ट। उसके बाद शायद एम्बिन जाएंगे, देखते हैं। ऐसे कुछ प्लान नहीं है, बट अभी मेरी तब ठीक है, बहुत बेटर है, नाक बस बंद है तो सही चल रहा है हमारा सिस्टम। मामा चलो सी यू सून। पापा थार लेके गए थे ना, बट थार लेके जा रही थी, बट अभी तक पापा आए नहीं है, तो मैंने सोचा और क्या ही करे, तो हम साहिल की गड्डी में ही जा रहे हैं। बैठ भी गई है, लोग कितने बदतमीज हैं, मतलब बैठेंगे ही, मैं इतना वेट करा रही थी, बैठे आधे घंटे मेरे लिए रेडी होने के चक्कर में। ओहो हाँ भाई, शादी में जा रहे हैं। क्यों? हाँ भाई वो बिल्कुल घुस के बैठी है। चलो अभी निकल रहे हैं, फिर मिलते हैं। फ्राइड राइस मंगा लिए थे, बट फ्राइड राइस ऑलमोस्ट खत्म होने वाले हैं, तो अभी मोमोज भी मंगाए हुए हैं, सब टूटे हुए हैं, बस उसके बाद देखते हैं क्या प्लान करेंगे। सब टूटे हुए मतलब खाने पे? भीड़ को तो बहुत भूख लग रही थी, मैंने तो स्टार्ट कर दिया, ये मैडम को खाने नहीं दे फ्राइड राइस, अब स्टार्ट कर रही है ये, वो ठीक बात है। तो क्या ठीक बात नहीं है, सोच लो। ठीक है, मैं बोल थोड़ी रही हूँ, मैंने तो कुछ बोला नहीं, मैंने कहा ठीक है चल। मैंने बोला कैसे पलट गई एक सेकंड में। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक। दिमाग खराब हो गया, ये आगे फैल जाती है कभी। अच्छा ये लेके बैठी है क्या? चार तो बंदे खा ही नहीं रहे, तो चार बंदे तो खा ही नहीं रहे। मेरी कैलकुलेशन गलत कह रही है, इसका दिमाग थोड़ा घुट रहा है। छोड़ना क्या, मैथ सिखाने लग गया उसको, इंटीरियर भी है वो स्टूडेंट। मैडम लेके आई है, पीछे लोग है ना फोटोज खींच रहे, घुस के वहाँ पर अपने पोज़ेस देके आई है दूसरों के पिक्चर्स में, बट फिर तो क्लिक नहीं कर देते वो लोग। जहाँ अभी भी कर रहे होंगे, चली जाओ उनके शूट के बीच में, देखा अभी ये तो दे रही है, ये है इसका, तो ब्लूबेरी यही है गदी। देखो चॉकलेट चाहिए था, एक्सक्यूज मी मेरा है वो, एक साहिल चुपचाप इधर रहे, अब तेरा ब्लूबेरी करा था, ठीक है ठीक है, खा लेगी ना? खा लूंगी यार। हाँ देखते कितना खाती है दीक्षा की तरह है ये। ये इसका कौन है यार? इसकी बहन है, ये वाइट कुर्ता तेरा सन है, इसका सनक जाता ना गाइस, तो सन का ही रहता है इसका, ठीक नहीं होता ये, थोड़ी हिली हुई कैसा, हिली हुई कैसा हमारी हिली हुई, कुछ भी बोलते रहो और खुद ही हंसती रहेगी और खुद ही लोगों में मजे लेती रहेगी, इसका सही है सिस्टम, अच्छा है इसका, हम शर्माने में रह जाते हैं, ये मजे कर जाती है। शर्मा रहे हो तुम लोग मेरे से? अबे उनसे, अच्छा उनसे दे दे मेरा ऑफर यार, वो तो बढ़िया था यार, पटक दो यार, तू कैसे बातें कर रही है, चुप कर, मेरा वॉफल दे, ये तो पीछे रख दे, नहीं है जगह, थैंक्स, चलो वॉफल्स वॉफल्स, चीयर्स चीयर्स चीयर्स। हर्ष बहन भाई की गपशप, ये क्या करती है तू? कर रही थी हर्ष, साहिल कहाँ गया? ओ आ गया। बहन भाई की गपशप का पहला, अबे यार बहन भाई की गपशप उससे पूछना, मैं पूछ रही हूँ तुम्हारे से, ये बहन भाई का गपशप बताओ, कोई इंटरेस्टिंग सा सीन जो हमें पता ना हो, बिहाइंड द सीन हो, वो बिहाइंड द सीन। अब मेरी लाइफ में कुछ होता नहीं है, सब मत डालियो यार, ये सब डालेगा आप तू देख, ये सब मत डालियो यार, ओए 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 कास्ट कर देंगे हम लोग, ड्रीम गर्ल 3 ये बना रही है, ड्रीम गर्ल 3 ड्रीम ड्रीम ड्रीम
जो तूने मेरा तोड़ दिया। ड्रीम तोड़ दिया, उसपे 200 पैसेंजर्स उतर गए, ठीक है, और फिर 100 चढ़ गए, तो तुम लोग कैलकुलेशन करते रहना, ठीक है। कैलकुलेशन करने के बाद में फिर दूसरा स्टेशन आया, ठीक है, उसपे 50 पैसेंजर्स उतरे, ठीक है, पर 20 चढ़े, ओके, ठीक है। फिर उसके बाद में दो ऐसे लगातार स्टेशन आए, उन दोनों पे ही 100 चढ़े, ठीक है, और 100 ही उतरे, ठीक है। और दो स्टेशन और आए, उसमें भी दो स्टेशन और आए, और उसमें भी क्या नाम है, उसमें कितने 350 पैसेंजर्स चढ़े, ठीक है, बट सिर्फ 50 उतरे। तीन स्टेशन और आए, ठीक है, और उन तीन स्टेशन पे 50 उतरे, ठीक है, और 100 चढ़े, ठीक है। अब मेरे को ये बताओ तुम लोग कि स्टेशन कितने आए। What? Bro, what are you talking about, man? बता भाई। अबे नौ नहीं आए। तीन अब आए, तीन पहले, दो पहले आए, पांच उससे पहले, दो सात और दो नौ ही तो आए। इसको खुद यार करनी पता। वाओ। इतना इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन कौन सी है? ये मुझे लगा नहीं था, इसको पता होगा भाई। फिर उसके बाद में अब उसका जो धुआं है वो जाता है किस तरफ, ये बताओ किस तरफ जाता है, ये क्वेश्चन था। अब इसमें बताओ नॉर्थ की तरफ, और तुम लोग बताओ नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ से साउथ जा रही है, नॉर्थ की तरफ धुआं जाता है, नॉर्थ की तरफ। तेरा आंसर क्या है? अबे इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन में धुआं नहीं होता। अच्छा तो मेरे को ऐसे इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन ही नहीं होती। अब बहुत बड़ी शाड़ी बन रही थी। Two thousand years later. बैक होम वैश को सही सलामत हम छोड़ा है सिकंदरपुर, वो मस्त अपना घर चले गई थी। ओ माय गॉड, मैं बहुत ज़्यादा ही बीमार लग रही हूँ। अगर मैं आपको बीमार मतलब मेरे को बहुत अजीब लग रही है, मेरी शक्ल में बंदर लग रही हूँ, बट प्लीज़ इग्नोर दैट। तो वैश 4-5 बजे उसको हम छोड़ाए थे, हमने बेल्जियम वॉफल खाया, फिर उसके बाद ऐसे ही घूम रहे थे गुड़गांव में, मस्त गेड़ी मार रहे थे। उसके बाद फिर उसका टाइम भी हो गया था, तो फिर उसको छोड़ा, फिर अब घर आए हम जस्ट। तब से फिर से एनजीओ की फंड रेजिंग और उस पर लगी हुई हूँ, मैंने अच्छा खासा फंड कलेक्ट कर लिया गाइस, थैंक यू सो मच। मेरे दोस्त इतने अच्छे अच्छे हैं ना, सारे के सारे मतलब घर वाले दोस्त जिन जिन ने कॉन्ट्रीब्यूट करा है, मैंने जिन जिन मैंने बहुत लोगों को वैसे मैसेज करा था, मैंने जिनसे एक्सपेक्ट करा था, उन लोगों ने ऐसा कुछ मेरे को खास रिस्पॉन्ड नहीं दिया है, तो ठीक है यार। वो वैसे भी मैं अपने लिए तो पैसे रखने नहीं वाली थी, मैं ऑब्वियसली वो आगे फॉरवर्ड ही करती क्योंकि इट इज़ फॉर द गुड कॉज। तो मेरे को थोड़ा सा लगा कि यार मतलब 100 रुपये तो यार क्या ही बात होती है, एक था मिनिमम 100 रुपये दे सकते हैं, तो ऐसा था मेरे को। मैं जिन जिन को भेजा था, मुझे लगा था यार इतने सब अच्छे अच्छे कंडीशन में है भगवान की कृपा से, तो सब 100 रुपये तो यार मिनिमम कर ही सकते हैं क्योंकि इट इज़ फॉर अ गुड कॉज, बच्चों के पढ़ाई के लिए जा रहा है, एनजीओ के लिए जा रहा है। कुछ लोगों ने रिस्पॉन्ड दिया, बहुत अच्छा दिया, बट ठीक है, जिनसे मैं एक्सपेक्ट कर रही थी उन्होंने नहीं दिया, बट ठीक है यार, अब मैं नहीं कर सकती, वो तुम्हारी मर्जी है, वो तुम्हारा करम है जो तुम लोगे, मेरे को क्या लेना देना। मतलब ऐसा होता है ना कि यार बहुत लोग होते हैं जो देने का सेवा करते हैं, मतलब देने वाली सेवा बहुत बड़ी होती है, तो ऐसा था मुझे कि यार सब लोग नहीं करते हैं, देखो सब लोगों का नहीं होता वो देने वाला बिहेवियर या नेचर, तो बट यार जिनने मेरे को दिया बहुत अच्छी बात है, मेरे को बहुत अच्छा लगा, तो गुड फॉर देम।
थैंक्स फॉर दैट। मम्मी अभी चाय वाय पी के ऊपर गया बालकनी में बैठने का, अभी पतंग उड़ाने का हमारा प्लान था बट अब साहिल वगैरह पतंग लेके नहीं आए थे तो अब वो शायद खरीदने गया है, तो हम शायद कल जाके उड़ाए या कब पता नहीं कब उड़ाएंगे। दर्द हो रहा है ऐसे कर रहे तो मैं दर्द हो रहा है गले का, बिल्कुल सोच रही थी कि गरम पीऊँ गरम खाऊं बट अब मैंने छोड़ दिया, मैं ठंडा कॉफ़ी पी, आज मैंने पूरे दिन ठंडा पानी पिया है क्योंकि मेरे को लगता है जो ना होता है ना आग आग को टक्कर देती है, तो ठंडा गला खराब को ठंडा ठंडा ही टक्कर दे सकता है, दैट्स अ थ्योरी एंड ये मैं बहुत बार अप्लाई कर चुकी हूँ तो ये मेरे को पता है सॉल्व हो जाती है और मैं ठीक हो जाती हूँ थोड़े टाइम में। अब से मैं ठंडा पानी पीऊंगी ओके, अब मैं ठीक हो जाऊंगी। अब मैं रात का बस जबड़ा का प्रॉब्लम हो गया था, पता नहीं जबड़े में क्या प्रॉब्लम आ गई थी, मैं ऐसे दबा रही थी गंदे थे। ओह अब भी फील हो रहा है थोड़ा सा अगर मैं ऐसे कर रही हूँ। आ गए हम बालकनी में बैठने के लिए, बड़ा अच्छा मौसम हो रहा था। एज सून एज मैंने वीडियो स्टार्ट करी है ना हवा रुक गई है, बिल्कुल रुक गई है, हम अब अपना फैसे पोस्टर का काम स्टार्ट करने वाले हैं। एन जी ओ के फंड रेजिंग से तो काफ़ी बेनिफिट मिला है मेरे को, तो पोस्टर शोस्टर काम वाम कर लेते हैं उससे और भी बेनिफिट मिलेगा, वेदर इन्जॉय करते हैं। मम्मी जी अभी मेरे साथ ही बैठी थी बट मम्मी अभी पूजा करने गई है, मैं ऐसी पागल नहीं हूँ बैठी हूँ, मज़ा आ रहा है आज बाहर बैठ के वेदर ऐसे लोगों को जज करते हुए काम करेंगे आज हम। जस्ट किडिंग, नोबडी इज़ जजिंग है, नो जजमेंट जोन एवर है, तो हम मज़े करते हैं काम भी करते हैं आज बाहर ऐसे पीपा पीपा सुनते हुए सारे काम करूँगी मैं, बट काम कर लूँगी मैं तो थोड़े देर में नीचे जाएंगे। कभी कभार मैंने गाने लगा लिए मस्त गानों में, मस्त अपना वो जो सिंगल वाला फील, वो सिंगल कह रही हूँ मतलब वो इंडिविजुअल वाला फील होता है ना जब अकेले बैठ के आप काम कर रहे हो और अपनी कंपनी है, तो मैं अपनी कंपनी इंजॉय कर रही हूँ, फिर मम्मी आ जाएंगी, फिर मम्मी के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे फिर नीचे चलेंगे। व्लॉगिंग आफ्टर पता नहीं सो मेनी आवर्स, पोस्टर वोस्टर बना के मैं नीचे आई थी, जस्ट तब से मैं व्लॉग पे लगी हुई हूँ, उसकी तबीयत बहुत काफ़ी सही है तो अभी मैं चिल कर रही हूँ मस्त। तो आपसे कल मिलती हूँ, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आज के लिए बस इतना ही, जाके दूसरे व्लॉग्स देखो, इस व्लॉग को देखने के बाद लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, सिस्टम जिता दिया। तो कल मिलती हूँ मैं आपसे, बाय बाय, गुड नाइट, सी यू टुमारो।